हेलो एवरीवन, आई एम रुंटी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी पूरी हेयर केयर प्रोसेस शेयर करूंगी। इसमें मैं कैसे ऑयलिंग करती हूँ, कैसे हेयर वॉश करती हूँ, हेयर ड्राइंग और उसके बाद कॉम्बिंग भी करने वाली हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस हेयर केयर से मुझे कोई हेयर फॉल नहीं होता है। तो पहले मैं ऐसे एलोवेरा को कट कर ले रही हूँ और मैं स्कैल्प में इसे लगा रही हूँ। ऐसे पीसेस में कट करने से एलोवेरा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कैल्प में लग जाते हैं और इससे डैंड्रफ, हेयर फॉल सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है और साथ ही साथ न्यू हेयर ग्रोथ भी होता है। तो इसलिए मैं हमेशा ऑयलिंग करने से पहले ऐसे ही अपने पूरे स्कैल्प में एलोवेरा को लगा लेती हूँ और फिर हल्के हाथों से मसाज करती हूँ। एलोवेरा लगाने से पहले मैंने अपने हेयर्स को अच्छे से कोम कर लिया था। फिर मैं इसके बाद तो ऑयलिंग भी करने वाली हूँ, उससे हेयर बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, इसलिए पहले कोम कर लेना ज़रूरी है। आपको सिर्फ सामने ही नहीं लगाना है, पीछे भी लगाना है, क्योंकि पीछे भी हेयर ग्रोथ होता है। एलोवेरा लगाने के बाद मैं ऑयलिंग करने वाली हूँ, तो मैंने हाथों में कोकोनट ऑयल ले लिया है और मैं पूरे स्कैल्प में इसे अच्छे से मसाज कर लूँगी। मैंने आपको ऑयलिंग के बहुत सारे वीडियोस पहले शेयर किया है कि कैसे आपको स्कैल्प में मसाज देना है जिससे कि हेयर ग्रोथ हो। आप वो वीडियो देख लीजिए, मेरे चैनल पे है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मसाज होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे विंटर में सभी को होती है ऐसी प्रॉब्लम, तो आप इस कोकोनट ऑयल पे लेमन का जूस और कपूर मिला के लगा सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, एक ही वर्ष से डैंड्रफ चला जाता है। तो मेरे अभी स्कैल्प में डैंड्रफ नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो एक घंटे के लिए मैं बन बना के अपने हेयर को रख रही हूँ और तब तक मैं अपना शैम्पू रेडी कर देती हूँ। तो शैम्पू हम बहुत ही कम यूज़ करने वाले हैं, बस एक चम्मच यूज़ करूँगी। मेरे हेयर बहुत लॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं एक चम्मच ही यूज़ करूँगी, क्योंकि जितना कम हो सके शैम्पू यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू में केमिकल होता है जो हमारे हेयर को और स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, इसलिए शैम्पू बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए। अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे केमिकल फ्री शैम्पू अवेलेबल हैं, लेकिन जो भी हो सारे 100% केमिकल फ्री नहीं होते हैं। इसलिए अगर आप शैम्पू में ऐसे एलोवेरा और फेनुग्रीक वाटर यूज़ करेंगे, तो इसका जो केमिकल होगा वो बहुत कम जाएगा, क्योंकि शैम्पू इसमें हम कम यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने देखिए इतना सारा एलोवेरा जेल जमा कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, जैसा मैंने कहा था, 1 टेबल स्पून क्लिनिक प्लस शैम्पू ले रही हूँ। मैं हमेशा क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो मैं ये ले रही हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरा शैम्पू है, आप उसे रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ मैं इसमें मिला रही हूँ, मैंने रात को फेनुग्रीक सीड भिगा के रखा था, तो सुबह इसका जो पानी है वो एकदम येलो कलर हो गया है, तो इससे मैं 3 टेबल स्पून ले रही हूँ और इन सारे चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब इस मिक्सचर को मैं ऐसे ही यूज़ नहीं करूँगी, इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैं एक मग में हाफ मग पानी लूँगी और उसमें इस मिक्सचर को डाल दूँगी और फिर अपने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे शैम्पू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे छाग निकल आएंगे और इसी से मैं अपने हेयर को वॉश करूँगी। अब देखिए मेरे हेयर इतने लॉन्ग हैं, फिर भी मैं 1 टेबल स्पून शैम्पू ही यूज़ कर रही हूँ। मतलब कि अगर आपके हेयर छोटे हैं तो आप इससे भी कम यूज़ कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि उन्हें 2-3 पाउच शैम्पू लग जाते हैं, जबकि उनके हेयर्स बहुत ही छोटे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरे हेयर वॉश करके दिखाऊंगी, तो मेरे हेयर कैसे वॉश होंगे इस शैम्पू से, इतने से शैम्पू से आप देख पाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा और विश्वास भी हो जाएगा। और मैं कोई भी कंडीशनर का अप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि इससे मेरे हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें एलोवेरा यूज़ किया है, तो ये हेयर के लिए भी अच्छा होता है और हेयर को सिल्की भी बनाता है। मैं हमेशा से पीछे से ही शैम्पू का अप्लाई करती हूँ,
ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हाथों में शैम्पू लेते हैं और सामने की तरफ से उसे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए ज़्यादातर हमारे सामने के हेयर लाइंस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप पीछे से शैम्पू का अप्लाई करें तो सामने के हेयर अफेक्टेड नहीं होंगे और फिर आपको इंटायर हेयर पे शैम्पू अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कैल्प के जो छाग होंगे उसी से आपके इंटायर हेयर भी वॉश हो जाएंगे अच्छे से। मेरा मानना है कि इन्वर्स मेथड पे हेयर वॉश करने से हेयर लॉन्ग होते हैं, तो मैं हमेशा से ही इन्वर्स मेथड पे हेयर वॉश करती हूँ, मतलब कि सामने की तरफ हेयर को ऐसे झुका के ही करती हूँ, पीछे की तरफ नहीं रखती हूँ। तो ये मेरा मानना है, आप जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करके देखिए, 1 से 2 महीने तक आपको फ़र्क नज़र आएगा अपने हेयर पे। तो ऐसे वॉश करने के बाद मैं अपने हेयर्स को ऐसे एक टब पे पानी लेके ऐसे खंगालती हूँ, इससे हेयर बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं और ये अच्छा भी होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। अब मैं टॉवल से ऐसे अपने हेयर को रैप कर रही हूँ और अब मैं धूप में चली जाऊँगी और फिर अपने हेयर को अच्छे से टॉवल ड्राई करूँगी। हेयर्स को सुखाने के लिए मुझे धूप में बस 10 मिनट्स के लिए खड़ा रहना होता है, तो मैं टॉवल ड्राई भी धूप में ही करती हूँ तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है। मैं टॉवल ड्राई करते टाइम कभी भी अपने हेयर्स को घिसती नहीं हूँ, उससे हेयर में डैमेज आ जाता है। सिर्फ डैप करके जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे निकाल लेती हूँ और बाकी का जो गीलापन होता है वो धूप में सूख जाता है। जब मैं धूप में खड़ी रहती हूँ तो अपने हेयर्स को ऐसे खुला खुला कर देती हूँ, इससे जल्दी हो जाता है। अगर मैं ऐसे सीधा खड़ी रहूँगी तो हेयर सूखने में टाइम लगेगा और जो भीतर के जो हेयर्स होंगे वो जल्दी नहीं सूखते हैं, इसलिए ऐसे करने से 10 मिनट में ही हेयर सूख जाएंगे। तो मेरा बहुत सारा हेयर जो ऊपर का हेयर था वो सूख चुका है, तो अभी बस 1-2 मिनट ही हुए हैं। तो बीच बीच में मैं साइड चेंज करती जाऊंगी तो जो सारे हेयर्स होंगे उसमें धूप मिल जाएंगे और वो सूख जाएंगे। हमारे पूरे हेयर्स तो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन पीछे की तरफ स्कैल्प के ऊपर जो एरिया है वो जल्दी नहीं सूखते हैं, तो उसको सुखाने के लिए आपको ऐसे खड़े होना है, तो उस एरिया पे धूप लगेगा और जल्दी वो सूख जाएगा। तो अभी मेरे 90% हेयर ड्राई हो चुके हैं। अब मैं कोम ले आऊंगी और आपके सामने हेयर कोम करूंगी। तो आप देखिए, मेरे हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की भी लग रहे हैं, मैंने कोई कंडीशनर अप्लाई नहीं किया है और अभी मैं कोम कर रही हूँ। हेयर वॉश करने के बाद थोड़े बहुत हेयर सबके गिरते हैं, लेकिन आप देखेंगे मेरे एक भी हेयर नहीं गिरेंगे क्योंकि मेरे हेयर बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई भी नॉट्स नहीं है। ज़्यादातर हेयर शैम्पू के टाइम उलझ जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे शैम्पू करोगे तो आपके हेयर्स बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो और थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूज़फुल टिप्स के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय।